दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डी। इलाहाबाद नगर पालिका आम चुनाव में वार्ड नंबर 10 का चुनाव सबसे दिलचस्प चुनाव है। यहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी रवि कांडा अपने चुनाव प्रचार अभियान को जोरदार ढंग से चलाए हुए हैं, जिससे उनके सामने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पिछड़ते दिख रहे हैं। वार्ड नंबर 10 में भाजपा समर्थित प्रत्याशी रवि कांडा के समर्थन में आज महिला मोर्चा की दर्जनों महिलाओं ने नितासा सिहाग के नेतृत्व में वार्ड में घर घर जाकर लोगों से वोटों की अपील की। वहीं वार्डवासियों को रवि कांडा के चुनाव निशान साइकिल का प्रतीक चिन्ह भी बांटा। उन्होंने लोगों से मतदान के दिन साइकिल के निशान पर अधिक से अधिक वोट देकर रिकॉर्ड कायम करने की अपील भी की। इस अवसर पर भाजपा की ओर से वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी रवि कांडा, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रविंदर लड्ढा, भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व पार्षद ईशा सिंगला, हरविंदर कौर सग्गू, सुभाष कांडा व अन्य कई नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज हमारा वार्ड नंबर 10 के अंदर महिलाओं का और हमारे सभी भाइयों का साथ मिलकर डोर टू डोर अभियान हमने चलाया हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान हमारे जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं राजेश जी कनवाड़िया भारी मतों से विजय होंगे और वार्ड नंबर 10 से निश्चित रूप से हमारे रवि कांडा जी विजय होंगे और दोनों ने ही अपनी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेंगे। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान खिले, हमारे चेयरमैन प्रत्याशी राजेश कनवाड़िया जी भी जीते और हर एक वार्ड से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जिन्होंने भाजपा को समर्थन दे रखा है या भाजपा ने उनको अपने कैंडिडेट बना के उतार रखा है वार्ड वाइज, सभी MC हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आएंगे और राजेश कनवाड़िया जी निश्चित रूप से हमारे चेयरमैन के जो प्रत्याशी हैं वो भी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेंगे। मार्जिन तो देखिए, जब हम उपचुनाव में थे और ऐसा माहौल था तब भी 5500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहां से विजय हुई थी, तो निश्चित रूप से कि अब जो मार्जिन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो हम ऐसे मार्जिन का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम कितने ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम डबल मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी अपना कमल का फूल खिलाने में कामयाब होगी। आज हम वार्ड नंबर 10 कर रहे हैं, हम लगातार लगे हुए हैं, एक वार्ड से शुरू किया डोर टू डोर और आज हम 10 में आए हैं, तो सभी वार्डों में जितने भी हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं भाजपा की ओर से बहुत ही अच्छा उनका रिस्पांस है, जनता उनको प्यार दे रही है, हमें हम डोर टू डोर कर रहे हैं हमें सारे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और इस 10 नंबर वार्ड में हमारे भाई रवि कांडा जी की जीत पक्की है और जो चेयरमैन के पद पे हैं हमारे राजेश कनवाड़िया जी उनकी जीत भी निश्चित है। नमस्ते, भारत माता की जय। हमें आज हम डोर टू डोर कर रहे हैं और सुबह से हमें इतना प्यार ममता दुलार मिल रहा है, हमें लगता है कि हमारी जीत हो गई, बस वो डेट का इंतजार है, उसलिए हम डोर टू डोर घूम रहे हैं। हमें आज लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना दुलार मिल रहा है, हम गदगद हो गए। वोट लोग हमारी सोच से हमारा प्यार मिल रहा है, हम जानते हैं लोग वी कांडा फैमिली मतलब सबसे आगे रही है, हो रही है, कभी कोई चीज़ में नीचे नहीं है, इसलिए लोगों का प्यार ममता दुलार हमें मिल रहा है कर रहे हैं। वार्ड नंबर 10 के जनता ने रवि भाई साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है और वो 10 नंबर वार्ड से विजयी होंगे। और इलाहाबाद से राजेश कनवाड़िया जी, मोर्चा की तरफ से डोर टू डोर करते हुए आज हमें 3-4 दिन हो गए हैं, जैसे हमने वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 10 तक कम्प्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमें ये तय है कि भाजपा का फूल ही खिलेगा, कमल का फूल ही आगे आएगा। जय भाजपा और तय भाजपा। मैं रवि कांडा, मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, हमारे को बहुत प्यार मिल रहा है। पवन जादू तो मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने ले रहा है, कभी तो राहुल गांधी बन जाता है, उनके साथ जाता है कांग्रेस सरकार में, फिर कहता है मैं अभी चौटाला बनूंगा, चौटाला सरकार में गया, वहाँ दाल नहीं गड़ी, फिर कहा गया भारतीय जनता पार्टी वाले मैं खट्टर बन गया, वो सपना फिर वो खराब हो गया उसका, फिर कहता मैं गोपाल कांडा बन जाऊँगा, वहाँ भी सपना उसका फैल हो गया, अब फिर रहा कहता हम कांडा को फैल करेंगे, वो करेंगे, वो तो जनता जाने क्या करेगा क्या नहीं करेगा, भगवान जाने।
हम तो कहते हैं सबके मिलके चलो। वार्ड नंबर 10 में डोर टू डोर महिला की टीम हमारे साथ लगी हुई है और इससे हमें बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार मिल रहा है और सभी भाई रवि कांडा को भारी मतों से जिताएंगे वार्ड नंबर 10 से, और शहर से जो हमारे राजेश कनवाड़िया जी है उनको भारी मतों से विजयी करवाएंगे। पूरे शहर का बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार मिल रहा है, इसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। धन्यवाद।